अगर हुल्लड़बाजी पर आइएगा तो हम लोगों को 2 मिनट भी नहीं लगेगा ठीक करने में। ये स्पष्ट हम आप लोगों को अब की बार चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग और ये प्रशासन आमने सामने आवे, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, प्रशासन का बात मानिए। कोविड प्रोटोकॉल लागू है, प्रोहिबिटेड एरिया है। पुलिस को खाकी को भी मार रही है। हम कार्य सब कर रहे हैं, हम अपना मांग अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम शिष्टता नहीं करेंगे। एक पुलिस के द्वारा देखिए कि खाकी के द्वारा खाकी को किस तरह बना है। इसको मिला है परमिशन। सरकार समय समय पर काम जारी है। सरकार काम जारी है। हम लोग भी गिरफ्तार में जा रहे हैं। क्षेत्र है, ये प्रोहिबिटेड इलाका है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन की मनाही है। आप गर्दनीबाग चले, गर्दनीबाग वहां रहेंगे और आपकी जो टीम होगी उनको मिलवा दिया जाएगा। आपके जो प्रतिनिधि मंडल है उनको मिलवाया जाएगा, ये बताया गया है हमारे सीनियर पदाधिकारी के द्वारा। आप चले, बेवजह का ये हरकत ना करें जिससे कि आपको तकलीफ हो और किसी को भी तकलीफ हो। हम लोग से सरकार काम लेती है एकदम बराबर पुलिस प्रशासन के द्वारा, मतलब कि काम लेने के टाइम में तैयार रहती है, जब मानदेय देने की बारी आती है तो सरकार मानदेय नहीं देती है। कितने दिनों से नहीं मिला? हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन मानदेय नहीं दे रही है सरकार। लाठी टॉर्च भर दी लेकिन मानदेय नहीं दे रही है। जबकि हर पर्व में काम करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, ईद हो, कोरोना महामारी हो, शराबबंदी हो, हर चीज में काम लेती है सरकार लेकिन मानदेय नहीं देती है। आज यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, चाहे तो स्थायीकरण करे या हम लोग को जान ले ले, आत्मदाह करे। हम सुल्तानगंज से हैं, वर्षा कुमारी, जिला भागलपुर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।